अरुणाचल प्रदेश यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जहाँ 26 मुख्य जनजातियों और 100 से अधिक उपजनजातियों का वास है। सिक्किम के बाद यह भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत के इस खूबसूरत राज्य को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने में दूरदर्शन का ईटानगर केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर सन 1984 से ही अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समाचार का प्रसारण और स्थानीय संस्कृति का प्रसार प्रचार विविध कार्यक्रमों के सहयोग से देश भर में कर रहे हैं। दूरदर्शन ने ईटानगर को अपने पूर्ण केंद्र के रूप में पहचान सन 1996 में दी थी। दूरदर्शन के पूर्ण केंद्र का दर्जा प्राप्त करते ही दूरदर्शन केंद्र ईटानगर और भी अधिक उत्साह और जोश के साथ जन कल्याण और अपने प्रदेश की संस्कृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास में लग गया। इस प्रयास के तहत राज्य के कोने कोने में बसे विभिन्न जनजातियों पर आधारित वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए, लोक कथाओं पर आधारित नाटक एवं कार्यक्रम बनाए गए, साथ ही स्थानीय कृषि जीवन संस्कृति में विविधता और लोक नृत्यों के फिल्मांकन किए गए। 11 फरवरी 2019 यह अरुणाचल प्रदेश और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दूरदर्शन अरुण प्रभा नामक सैटेलाइट चैनल अरुणाचल तथा पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे स्थानीय साहित्य संस्कृति नृत्य कला के साथ साथ स्थानीय प्रतिभा और सरकारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिला। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में आज 80 से अधिक कर्मचारी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वे औपचारिक कार्यों के अलावा बाह्य कार्यक्रमों जैसे खेल प्रतियोगिताओं आदि में भी अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए कई पदक एवं पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और साथ ही तकनीकी युग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दूरदर्शन का ईटानगर केंद्र अब ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया माध्यमों में भी अपना प्रसारण कर रहे हैं। हम लोग मदद मिलता है ना, हम लोग का गाल वाले पेले जो अच्छा काम करते बोलते। उपकरणों की बात की जाए तो 80 और 90 के दशक में प्रयुक्त एनालॉग यानी पुराने उपकरणों के मुकाबले आज डिजिटल उपकरण जो काफी आधुनिक एवं सुविधाजनक है उनका प्रयोग किया जा रहा है। स्वतंत्र सैटेलाइट चैनल के रूप में दूरदर्शन अरुण प्रभा ने अपने कार्यक्रम निर्माण का दायरा बढ़ा दिया और इसके चलते कार्यक्रम की सूची में कई नए कार्यक्रमों के नाम जुड़ गए और इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित बड़े बड़े कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रपति का दौरा, प्रधानमंत्री का दौरा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राज्य स्थापना दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया जाता है।